भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। पश्चिम बंगरे अमित शाह तृणमूल कांग्रेस द्वितीय पाली सरकार रो प्रथम वर्ष पूर्ति रे राजनैतिक हत्या को नहीं ममता को टार्गेट पश्चिम बंगरु पूर्व भारत मुहा हेबार संकेत देले शाह द्वितीय तथा शेष दिन में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुईदिनिया पश्चिम बंग गस्त शाह गस्त नहीं विचलित हो पड़ी शासक टीएमसी ठीक गस्त समय ही कोलकातार काशीपुर में अर्जुन चौरसिया नामक बीजेपी युवमोर्चार जड़े कर्मी को हत्या करा परिवार को सांत्वना देवाई अर्जुन को घरे पहुंची केन्द्रमंत्री राज्य में हिंसा और आतंकराज चलाइवा ममता सरकार को टार्गेट करने राज्य सरकार रिपोर्ट तलब कर तृणमूल सरकार के एक साल हुआ है उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गस्तर द्वितीय दिन में प्रथम बीएसएफ कार्यक्रम में भाग नहीं शाह भारत बांग्लादेश सीमार तीन बीघा जीरो पॉइंट गस्त करी बीएसएफ अधिकारी सीमा सुरक्षा नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक करते कोलकाता भिक्टोरिया मेमोरियल ठारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य एक सरकारी कार्यक्रम में राज्यपाल भाग नहीं केन्द्रमंत्री कोलकाता दुर्गा पूजा को यूनेस्को सांस्कृतिक ऐतिह्य तालिका स्थान दी कार्यक्रम आयोजन करा राज्य में दलियों कर्मी उत्साह बढ़ावा सह आगामी रणनीति प्रस्तुत पर बीजेपी हेडक्वार्टर आयोजित सांसद विधायक ऑफिस पियरर मानक भेट आलोचना करते पश्चिम बंगरु पूर्व भारत मुहा हेबार संकेत देते शाह बेंगल परी बिहार में बीजेपी दुई नंबर थी पर गठबंधन द्वारा सरकार में भागीदारी हो पारी से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम विकल्प बीजेपी बेंगल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट को पछरे पकाई एवं टीएमसी सामना करुछी बीजेपी टीएमसी सहित ही बीजेपी सीधा लड़ाई हेबो एवं बीजेपी आग को क्षमता दखल करिबो तबे शाह गस्त केवल बेंगल पर नुहे बरम ओडिशा भली पूर्व भारत अण बीजेपी राज्य चौबीस रणनीति सकाशे बाट खोल अण बीजेपी राज्य में चौबीस क्षमता दखल कर रणनीतिर होयमारंभ अति निकट में शाह आउ कतोटी अण बीजेपी राज्य गस्त कर कार्यक्रम रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस।